हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल शॉप। दोस्तों, आज के टाइम हम बात करेंगे कि एसएससी जूनियर इंजीनियर जो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी आती है उसका जो एडमिट कार्ड है सो रिलीज कर दी गई है। तो चलिए, किस प्रकार से उसका एडमिट कार्ड है सो डाउनलोड करना है हम आपको बताते हैं। सब यहाँ पर कोई भी आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिएगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाइएगा और सिंपली यहाँ पर एसएससी सर्च कीजिएगा। जैसे सर्च कीजिएगा तो इस प्रकार से इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। वेबसाइट पे आने का देखिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे इस डाउनलोड लिंक पे आ जा रहे हैं, जहाँ से आप पे हम होम पेज पे पहले चलते हैं और होम पेज से जाकर बताते हैं। देखिए, जैसे जैसे सर्च कीजिएगा, जैसे सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। देखिए, यहाँ पे एडमिट कार्ड रिजल्ट अप्लाई नोटिस और यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट पर दिखाई दे देगा। तो सिंपली हम यहाँ पे एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ से आप इसका लिंक जो है इस पेज का हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं लिंक के थ्रू। और देखिए, यहाँ पे जैसे जाइएगा तो यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे रीजन, आप जिस रीजन से आते हैं यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप यूपी बिहार से आते हैं तो यहाँ पर आपका सेंट्रल रीजन में आएगा। इसलिए यहाँ पर हम सेंट्रल रीजन पर सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे सेंट्रल रीजन पर क्लिक कीजिएगा, इस पेज पर आ जाइएगा। इस पेज पर जैसे आइएगा उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट में स्टेटस डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर स्टेनोग्राफर का है और सेकंड में आप देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। इस मतलब ऑप्शन आया है पेपर फर्स्ट के लिए। एग्जाम हेल्प फॉर्म देखिए, यहाँ पे 9/10/2023 से 11/10 जिसका जो एग्जाम है यहाँ पे, इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर आपको रीजन सेलेक्ट करने के लिए आते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं यूपी बिहार यहाँ पे आ रहा है सबसे लास्ट में। यहाँ पे प्रोसीड नाउ पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस पेज पर आ जाएगा। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आप डाल करके और सेकंड में डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे, उसके बाद थर्ड में कैप्चा डालिएगा। कैप्चा तो सभी में डालना, उसका सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप रोल नंबर आपके पास है तो आप रोल नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस अगर भी नहीं है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भी नहीं है तो उस स्थिति में अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ डालकर आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पे अपना जो डेट ऑफ बर्थ है सो हम डालते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और डाउनलोड करते हैं डायरेक्ट यहाँ से। जैसे यहाँ पे डिटेल्स फिल कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है तो 9/7 यहाँ पे हम कैप्चा डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद सिंपली हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे जैसे क्लिक कीजिएगा उसको ऊपर कर, यहाँ पे देखिए ऊपर लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे नाम, यहाँ पे पूरा डिटेल्स, यहाँ पे एग्जाम टाइम भी बता रहा है, शिफ्ट यहाँ पे थर्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव इंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सिर्फ यहाँ पे एक अटेम्प्ट और बाकी है डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे आपका 5 अटेम्प्ट दे रहा है। 5 अटेम्प्ट अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ पे मेरा एक अटेम्प्ट भी यहाँ पे बाकी है तो चलिए यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं हिंदी पर क्लिक कीजिएगा, इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं इंग्लिश पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम हिंदी में यहाँ पे क्लिक कर दिए हुए हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए PDF सेव करने के लिए आएगा। देखिए, तो यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे सेव एज PDF पे, यहाँ पे एडमिट कार्ड को सिंपली सेव करेंगे। देखिए, यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो चलिए यहाँ से फिर बैंक चलते हैं। अगर जो भी लोग अगर इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन क्लिक और इंग्लिश में जो है इस पर डाउनलोड करेंगे। देखिए क्या बता रहा है, डियर रोहित कुमार, यू हैव ऑलरेडी डाउनलोड एडमिट कार्ड 5 times, हेंस यू आर नॉट अलाउड फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड एनी मोर। यहाँ पे हम 5 अटेम्प्ट है सो हमने यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप 5 अटेम्प्ट में अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद भी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 5 बार ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आपको इसी प्रकार से दिखाई देगा, यू हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड एडमिट कार्ड 5 times। तो पहले आप पे ध्यान रखिएगा, 5 बार ही आपको मौका मिलेगा। तो आप पहले ही अपना सेव कर लीजिएगा, ईमेल पर डाल लीजिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।